हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर आप प्ले स्टोर से किसी भी ऐप को डाउनलोड करने के लिए जाते हो तो वहाँ पर डाउनलोड नहीं होता है। सिर्फ जैसे ही इंस्टॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो सिर्फ पेंडिंग का ऑप्शन ही आपको देखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में गारंटी के साथ बताऊँगा, अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो किसी भी ऐप को तो कैसे डाउनलोड करोगे, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले जैसे कि मान लीजिए मैं इसी जो अमेजोन प्राइम है, किसी भी ऐप को, कई पर ऐसा होता है प्ले स्टोर में कि किसी भी ऐप को अगर आप डाउनलोड करने के लिए इंस्टॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो वो सिर्फ पेंडिंग पे ही रह जाता है, पेंडिंग के आगे कुछ होता ही नहीं है। जैसे मैंने क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पर पेंडिंग ही हो रहा है और इसके सिवा जल्दी डाउनलोड होता ही नहीं है यहाँ पे। ऐसे ही मैं किसी भी ऐप को, जैसे कि मैं इसके ऊपर क्लिक किया, इंस्टॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक किया, ये ऐसे ही पेंडिंग में पेंडिंग ही रहता है, जल्दी ये डाउनलोड होता ही नहीं है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप अगर आपके प्ले स्टोर में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कैसे इसे, मतलब कि ऐप को कैसे डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐप के बारे में जो कि फ़ोनपे का ऑफिशियल ऐप है, जिसे कि फ़ोनपे ने ही लॉन्च किया है, जिसका नाम है इंडूस ऐप स्टोर। ये जो ऐप स्टोर है इसे आप देख सकते हो, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। अब देखिए ये बिल्कुल प्ले स्टोर के जैसा ही यह ऐप स्टोर है, इसमें भी आपको बहुत ऐप मिल जाएंगी। जितनी ऐप आपको प्ले स्टोर में मिलेंगी उतनी ही ऐप आपको इसमें भी मिल जाएंगे। यहाँ से आप कोई भी ऐप को डाउनलोड कर पाओगे। चलिए मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आप यहाँ पर जैसे कि आप इसे कैसे लॉगिन करोगे, कैसे अकाउंट बनाओगे, वो भी मैं आपको बताऊँगा, बस वीडियो को थोड़ा सा देखिए। यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई भी ऐप को डाउनलोड करता हूँ, अगर आपको किसी भी ऐप को डाउनलोड करना है तो यहाँ पर उस ऐप का नाम सर्च कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप कुछ भी सर्च करके उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पर भी वो सारी ऐप मिल जाएंगी। जैसे कि मैं मान लीजिए इस ऐप को डाउनलोड करना है तो मैं यहाँ पर जो डाउनलोड वाला बटन है ना, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। डाउनलोड वाले बटन पर जैसे क्लिक करूँगा यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। इस तरीके से मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो इस तरीके से ये देखिए अभी वेरीफाई कर रहा है। ये देखिए अब देखिए यहाँ पर बता रहा है कि जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो आपको इंस्टॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। आप देखिए ये इस तरीके से डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हो। तो यहाँ पर 6% 18% यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्पीड भी है इसमें, 36% 49% इस तरीके से देखिए, 58% ये इस तरीके से, 66, अब ये देखिए 83 हो गया। अब ये देखिए डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर इंस्टॉल करने का ऑप्शन आ जाएगा, देखिए थोड़ा सा वेट करेंगे। ये देखिए इंस्टॉल का ऑप्शन आ चुका है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल होना भी स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये देखिए ओपन का ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है। अब ये जो ऐप है ना, ये आपके यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर देखिए आपके मोबाइल फ़ोन में ये ऐप आ चुका है। इसी प्रकार से इस ऐप स्टोर से किसी भी ऐप को डाउनलोड कर पाओगे। जैसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो किसी भी ऐप को, वैसे ही आप इस ऐप से भी डाउनलोड कर पाओगे। बस आपको इतना ध्यान देना है कि जो आपकी फ़ोन की मेमोरी है वो खाली होनी चाहिए। अगर आपके फ़ोन का जो रैम है वो भर गया है तो डाउनलोड नहीं कर पाओगे। बस आपको इतना ही ध्यान देना, बाकी इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और बात करें तो ये एक ट्रस्टेड ऐप है, अगर आप फ़ोनपे यूज़ करते होंगे तो फ़ोनपे ने ही इसे लॉन्च किया है। ये मेक इन इंडिया, एक इंडिया का ऐप स्टोर है। फ़ोनपे कंपनी को आप जानते होंगे, जिसके थ्रू हम पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन रिचार्ज करते हैं, बिल पेमेंट्स करते हैं, उसी कंपनी ने इसे लॉन्च किया है। अब देखिए यहाँ पर कुछ मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए होम का बटन मिल जाएगा, गेम्स का बटन मिल जाएगा, एक्सप्लोर का ऑप्शन मिल जाएगा, नीचे मैनेज का भी ऑप्शन मिल जाएगा। मैनेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे जितने भी ऐप में अपडेट आए रहेंगे वो सभी यहाँ पर दिख जाएंगे। अगर आप इसे मतलब कि अपडेट एक एक को करना चाहते तो अपडेट एक पर क्लिक करके, ऐसे क्लिक करके आप इसे अपडेट कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि जब भी किसी ऐप में अपडेट आए वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए तो ऊपर कोने में एक 3 लाइन का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करिएगा। ऐप अपडेट सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। अब यहाँ पर देखिए नेवर ऑटो अपडेट, और यहाँ पर देखिए यूज मोबाइल, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। अब देखिए थोड़ा सा बैक आ जाता है यहाँ पे। जब आपका ऐप अपडेट हो जाएगा तो अपडेट वाले बटन पर क्लिक करोगे। अगर आप ऑटोमेटिक अपडेट करना चाहते तो इस वाले बटन पर क्लिक कर दोगे, नेवर ऑटो अपडेट। जितने भी ऐप में अपडेट आएगा वो सभी ऑटोमेटिक अपडेट यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, अगर आपको यहाँ पे इसमें अकाउंट बनाना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इस ऐप का, उस पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड करिएगा। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करिएगा। इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा मोबाइल नंबर डालने का, मोबाइल नंबर डालिएगा। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, OTP डाल के आप यहाँ पे लॉगिन हो जाओगे। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ करके।
जब आप इसे डाउनलोड कर लोगे, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लोगे तो इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। ये देखिए फ़ोनपे का ऐप स्टोर है तो यहाँ पर फ़ोनपे का लोगो भी आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है, जैसे कि चलिए मैं डाल देता हूँ यहाँ पर। जैसे ही मोबाइल नंबर डालोगे आपको कुछ नहीं करना है, आपके मोबाइल नंबर OTP सेंड होगा, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल भी हो जाएगा। अब आपके सामने ये देखिए फ़ोनपे का जो ऐप स्टोर है वो ओपन होके आ चुका है। अब आप यहाँ से कोई भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। जैसे प्ले स्टोर में आपको सब कुछ मिलता है वैसे ही आप यहाँ पर भी कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो देखने के बाद समझ में आ गया होगा कि अगर आप प्ले स्टोर से कोई किसी भी ऐप को डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ से आप 100% गारंटी के साथ में बोलता हूँ कि इस ऐप स्टोर से आप किसी भी ऐप को डाउनलोड कर पाओगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपकी जो फ़ोन का रैम है, रोम है, वो खाली होना चाहिए, इतना आपको ध्यान देना है। तो मिलते हैं नए